सभी को नमस्कार। आज जितने भी एस्पिरेंट्स आए हैं सभी को एक एक बेटर फ्यूचर के लिए मैं विश करता हूं उनको। और वो मैं ये मान के चलता हूँ वो चाहते भी हैं अपने फ्यूचर को बेटर बनाया जाए। तो यहाँ आपकी जो ये बेटर वाली जर्नी है जो शुरू होने वाली है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसको स्मूथ स्मूदन करने के लिए उसको और अच्छे से इजी करने के लिए हम सब लोग आपके लिए हेल्प करने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। इस एकेडमी के थ्रू ये एक आपको एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो नेक्स्ट स्टेप होता है जो इंटरव्यू होता है लास्ट लेग ऑफ योर कैरियर में एक अच्छा एक पड़ाव चेंज होता है उसमें उसमें आप अच्छे से कर पाए ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए क्या चाहिए एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का। आप जब आप टेस्ट रिटर्न क्वालिफाई करके आते हैं तो आपने अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को तो प्रूव कर दिया है काफी हद तक प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है जो नॉलेज आपकी है जितना आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे आपका थॉट प्रोसेस क्या है आप कितने पॉजिटिव हैं आपकी आप सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कितने स्ट्रेस को झेल पाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको हेल्प करने वाली है। इंटरव्यू बोर्ड में भी क्या होता है बहुत सारे नॉर्मली पीपल स्ट्रेस फील करते हैं और एक नेचुरल है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अनोखे हैं या हमने फेस नहीं किया हमने उस नहीं स्ट्रेस को फील किया होगा एक नेचुरल सी फीलिंग है। लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करते हैं वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। बहुत सारी चीजें होंगी जो इसको आपको आंसर नहीं पता लेकिन आप किस ढंग से उसको रेस्पॉन्ड करते हैं आपका रेस्पॉन्स किस तरह से आता है वो आपकी थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करेगा। हो सकता है आपने कई बार देखा होगा या आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में लोगों से बात की होगी या उन्होंने बताया होगा कई बार होता है कैंडिडेट बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन हो जाता है। कई बार कैंडिडेट को लगता है मैंने तो सारे आंसर दे दिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इस प्रोसेस में हम सब आपकी मदद करने वाले हैं। जैसे मेरे बारे में बताया था कि मैं एक्स बैंकर हूँ और अभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ और साथ साथ एक अपना मैं एनजीओ रन कर रहा हूँ। तो एनजीओ में एक यही था कि लोगों के बेटरमेंट के लिए लोगों की भलाई के लिए कुछ किया जाए। तो उसी कनेक्शन में एक ये भी है क्यों ना हम मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठाकर लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो मेरी तरफ से सभी को गुड लक आप फ्यूचर में बढ़िया करें अच्छे से तैयारी करें और लाइफ को अच्छे से फेस करने के लिए एक अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग गुड पर्सन बने। तो विद दिस आई एम डन थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ नीना झा हमारी साइकोलॉजी एक्सपर्ट, वो भी बात करेंगे कि किन चीजों का ध्यान रखें। नीना जी जी थैंक यू सर। मेरा नाम नीना झा है। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट और LLB मैंने किया हुआ है और मैं दिल्ली में हूँ यहीं से मैं वर्क फ्रॉम होम ही मेरा काम चलता है। तो सबसे पहले जितने भी चैंपियंस यहाँ हैं सभी को बधाई। एक ड्रीम जो होता है बचपन से वो आपने एक ड्रीम लेवल को कंप्लीट किया है ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट है सभी के लिए और हम लोगों के लिए भी प्राउड मोमेंट है कि इतने बच्चे जो आज हमारे सामने हैं एक टफ कंपटीशन के बाद आए हैं। अब हम सबों की यही हार्दिक एक विशेष है आप लोगों के लिए कि इसको भी आप अच्छे तरीके से करें। तो क्या ऐसा है रिटेन में तो आपने क्या किया कि आप गए आपको टाइम मिला आपने सोचा आपने लिखा तो आपको लिखना होता है वहाँ बहुत ज्यादा आपको आपके बॉडी मूवमेंट या आपके कोई और पर्सनल चीजों से खास फर्क नहीं पड़ता आपने बहुत मेहनत करी लिखा। लेकिन जो मोटी चीजें होती है ये इंटरव्यू आप कभी भी चार आदमी के साथ बात करेंगे तो एक घबराहट हो जाती है कि अभी आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो इंटरव्यू के नाम से ही एक ना सिकनेस एक थोड़ा सा डर लोगों के मन में आप अभी बच्चे हैं आपका ये भी शुरुआत है तो एक डर हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने डर पे काम करते हैं कि डरने वाली जैसी कोई चीज है नहीं।
अगर मान लीजिए वर्स्ट केस में नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या दोबारा मौका मिलेगा? और आपने रिटन क्वालिफाई किया है तो एक फेथ लेवल, एक बिलीव होता है, तो आपको अपने ऊपर बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर एक बिलीव करना है कि आपने ही क्वालिफाई किया है तो ये भी आप ही क्वालिफाई करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए क्या है कि आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं ना, आगे भी आप ही करेंगे, करना तो आपको ही है। तो हमेशा एक ब्रेन को मैसेज देने की जरूरत होती है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, और वो एटीट्यूड ही आपको आपकी आधी लड़ाई जीत की ओर ले जाता है। तो सबसे बड़े जो यहाँ पे एक बात होती है, हम अपने मेंटल लेवल से अगर जीत लेंगे अपने आप को, तो हमने ये इंटरव्यू भी आसानी से निकाल लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि अभी सभी ने बताया कि हम लोग क्या बात करेंगे इसमें, ऑब्वियसली आप बीपीएससी से क्वालिफाई करके आए हैं, तो इसका भी एक सिलेबस बनेगा कि हमें कैसे कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कम्युनिकेशन स्किल हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारा पर्सनालिटी कैसे होना चाहिए, हम कैसे बात करते हैं। चार आदमी मेरे सामने बैठे हैं, हमें चारों का चारों के सवालों का जवाब बारी बारी से कैसे देना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर हमने सही आंसर नहीं किया, एक साथ चारों का आंसर सही नहीं किया, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है, हम आगे की जो सवालात होते हैं उसके आंसर हम कैसे करते हैं, इन सब बातों पे हम काम करेंगे। अभी वक्त है तो हम आसानी से ये कर लेंगे। और कंसिस्टेंसी जो होती है, डेडिकेशन जो होता है, वो इन सब इंटरव्यू में भी बहुत जरूरी है, वो काम करना पड़ेगा उस पर आप लोगों को। और फिजिकली मेंटली अपने हेल्थ पर ये ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और प्रॉपर सफिशियंट रेस्ट, हम कैसे इसकी तैयारी करें ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा आगे नहीं आए, हम अच्छे से तैयारी करके आगे बढ़िए, वो सब कैसे करेंगे, तो ये मॉक टेस्ट में हम लोग उसी पे काम करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि कैसे हम आंसर दें, क्योंकि अगर हमें आंसर पता भी है तो क्या हम एकदम से आंसर देने के लिए आगे आ जाते हैं, या हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आंसर नहीं आता तो क्या हमें वेट करना है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ी सी ट्रिक है और थोड़ा समझदारी वाली बात है। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, आप कहाँ उसको अप्रोप्रिएट तरीके से यूज करते हैं, ये काफी तक आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। हैबिट वाली बात है, अपने हॉबीज आपके क्या हैं, बायोडाटा क्या है, वो बायोडाटा बहुत से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि हॉबीज नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं आएगी, आपको हॉबीज क्रिएट करना है, डेवलप करना है, और हॉबीज के बारे में भी अच्छी नॉलेज लेनी होगी। और ऑब्वियसली आपने जो सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट पे और करंट अफेयर्स पे, इन सब की भी प्रिपरेशन होगी ही, तो इन सब के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल हम आधी लड़ाई आज ही जीतेंगे कि हम इस के विनर हैं और हम इसको सक्सेसफुली निकाल के आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच नीना, एंड मैं अवंतिका को भी देख पा रहा हूँ। अवंतिका प्लीज आए एंड प्लीज एड्रेस टू द न्यू मेंस क्वालिफायर्स एस्पिरेंट्स। अवंतिका गुड इवनिंग सर। यस वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आप लोग कोई क्वेश्चंस हैं अगर आप, तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हाल ही में मैंने सीडीपीओ की एग्जाम क्वालिफाई किया है मैंने, और आप अभी पूछ सकते हो, कुछ कारण है जिस वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ सर। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सो द क्वेश्चन आंसर सेशन में है अवंतिका, तब आप आइएगा, तब कोई भी क्वेश्चन। परफेक्ट, एंड शी इज अ बिग अचीवर एंड परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। और आप, मैं इनवाइट कर देना चाहता हूँ अनुराग को। यस यस अनुराग, हु इज द बैकबोन ऑफ आई एस्पायर। यस अनुराग, आई एम अभी सर लोग बहुत कुछ बता दिए आप लोगों को, ठीक है। और
हमें लगता है कि कुछ ज्यादा तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन एक चीज, एक समस्या जो आएगी अभी हॉबीज को लेकर आप लोगों के, और कई बार समस्या आती है ऑप्शनल को भी लेकर, ठीक है। लेकिन कोशिश ये की जाएगी, जैसे कि पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है कि इंटरव्यू में अच्छा खासा नंबर मिला है बच्चों को और 85 हाईएस्ट स्कोर रहा है अभी तक का, तो हम ये कोशिश करेंगे कि क्लासेस के माध्यम से, मॉक इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों का नंबर अच्छा खासा हो जाए, स्कोर अच्छा खासा रहे, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। और एक चीज़ और बताएं आपको, जैसे जब इंटरव्यू होता है ना, तो ये कई बार आएगा कि अच्छा आप गाना गा के सुनाइए, कई बार हम सबने किया भी है ये बात। सर आपको याद हो तो अभी जो ऑडिटर का इंटरव्यू था उसमें प्रियंका से गाना भी सुना गया था, तो इसका सब्जेक्ट कोई लिमिटेड लिमिटेड नहीं है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, हो सकता है कुछ भी सुनने का मौका हो, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये करके दिखाइए हमें, तो आप उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें, ठीक है। सब्जेक्ट की बात है, आपके ऑप्शनल की बात है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की बात है, बीच में आपका कितना गैप रहा है, इसमें आपने क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बस इतना ही, भी लास्ट में ये क्वेश्चन सेशन रखेंगे। यस यस यस, तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, बट मेरे ख्याल में दुर्गेश सर आपने अपनी बात अभी पूरी नहीं की, शायद जब मैं दुर्गेश सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फाइनल अपने एड्रेस करें इसको, एंड आफ्टर दैट जितने भी बच्चे जो लोग हैं हम चाहेंगे आपको जो भी सवाल हो कुछ। थैंक्स हरी सर, सो वेलकम द विनर्स। यहाँ पर हमारे बीच वो भी है जो ऑलरेडी एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, और साथ ही मैं देख रहा हूँ हमारे वो बच्चे भी हैं जो शीघ्र ही इस लाइन में आने वाले हैं, जिन्होंने अभी प्रीव्यू नहीं दिया है, बट दे आर कॉन्फिडेंट कि चूंकि जल्दी ही उन्हें इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से हम हरी सर से और उनकी टीम से, हम सभी से साथ में रूबरू होकर कुछ डूज एंड डोंट सीख लें। सो हम आप सभी का स्वागत करते हैं, और आपके इस कॉन्फिडेंस के लिए जो बच्चे आगे आने वाले हैं और जो ऑलरेडी एग्जाम ये क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आप सभी के लिए बहुत सारा साधुवाद, तालियां। अब देखिए सीधे काम की बात पे जाते हैं, बहुत सारी हमने यहाँ वहाँ की बातें कर ली। इंटरव्यू बेसिकली जैसा आप जैसे स्तर को मालूम होगा, ASK एक सिस्टम होता है कि एग्जामिनेशन में हम देखते क्या क्या है, एटीट्यूड स्किल एंड नॉलेज, है ना। नॉलेज वाला पार्ट आप क्लियर करके यहां तक पहुंच गए, स्किल यानी प्रैक्टिकली जब प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ कुछ एथिक्स के केस स्टडी वाला पार्ट जैसा होता है उस तरह कुछ कुछ, तो जब एक्चुअल प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी एज एडमिनिस्ट्रेटर, तब आप कैसे बिहेव करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, सोची समझी प्रतिक्रिया देंगे या देन एंड देयर आनन फानन में कुछ भी कर बैठेंगे, ये है आपका स्किल। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा वो है आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया। बोर्ड को ये विश्वास दिलाना होगा आपको, जिस बंदे को वो डिप्टी कलेक्टर SDM बनाने जा रहे हैं, क्या सचमुच में उसका नजरिया उस पावरफुल पोस्ट के लायक है, डज ही डिजर्व दैट, ये कॉन्फिडेंस दिलाना बोर्ड को, ये है तैयारी आपके इंटरव्यू। और मैं इसमें बहुत क्लियर हूं चूंकि इस वक्त के पास से कैटेगरी वन ऑफिसर्स का इंटरव्यू लेता रहता हूं, अभी इस वक्त भी मैं कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स का इंटरव्यू ले रहा हूं प्रमोशन के लिए उनका, तो मैं आपको बिल्कुल बिना किसी लाज लपेट के बताता हूं कि बहुत बहुत खराब कैंडिडेट आते हैं जिनको देख के, मतलब इसलिए आपकी मोटिवेट कर रहा हूं कि आप जरा भी अच्छे हुए तो आपके नंबर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मैं बताने का प्रयास करूंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ खराब है या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट बेसिकली हमने ऑलरेडी आपका नॉलेज तो देख लिया है, और किसी भी क्वेश्चन का जवाब ना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर बट इन जनरल किसी भी क्वेश्चन का जवाब ना दे पाना जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय इसके कि जैसा आपके अभी साइकोलॉजिस्ट मैडम ने कहा, कई बार हम नर्वस हो जाते हैं,
उस सवाल को ना बता पाने के कारण जो स्ट्रेस हमारे चेहरे में दिखता है, जो कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ जाता है, वो हमें आगे के जवाबों को बेहतर ढंग से देने से रोकता है। और जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि इफ यू कीप क्राइंग फॉर द लॉस्ट सन द चांसेस आर दैट यू विल मिस द स्टार्स टू। यदि आप डूबते हुए सूरज या डूब गए सूरज के लिए शोक बनाने में ही सारा समय बर्बाद कर देंगे, तो इस बात की काफी संभावना है कि आप सितारों भरी रात का आनंद भी खो बैठे। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ वन टू वन, तो इन सब चीजों पे आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कॉन्फिडेंस का कारण लूज नहीं करना है, आपको विश्वास होना चाहिए आप भगवान नहीं है, और इंटरव्यू बोर्ड भी जानता है कि आप भगवान नहीं है। तो सामने बैठा बंदा है वो ऑमनिसिएंट ऑल नॉलेजेबल नहीं है, इनफैक्ट हम खुद भी ऑल नॉलेजेबल नहीं होते हैं, इसलिए कोई सवाल ना बन पाना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि उसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लूज करना और आगे की जो सितारों भरी रात आपके सामने है अपना आंचल फैलाए हुए, उसको एंजॉय ना कर पाना। अब अगली बात यह है कि इंटरव्यूअर आप में ढूंढ क्या रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि नॉलेज आपका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, अब वो विभिन्न तरीकों से, कई बार स्ट्रेस वाले क्वेश्चन से, कई बार सिंपल क्वेश्चन से, गला ले गया फिर यहां आ गए, हो क्या रहा है। तो आपको अलग अलग तरीकों से हम बस ये चेक करते हैं कि सुटेबिलिटी क्या है आपकी उस पोस्ट के लिए जहां आप आ रहे हैं। अब इसमें नेचुरली ये कवर हो जाता है कि आप क्या नॉलेज और इंटरेस्ट रखते हैं उन चीजों पे जो कि आप अप्लाई। अब ये समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है कि यदि आपसे पूछा हमने कि अच्छा आपने प्रायोरिटी ऑर्डर में थर्ड रैंक कौन सी भरी है, अब आपको यदि रैंक का नाम भी अच्छे से नहीं मालूम है या स्टिल वर्स, आपने थर्ड रैंक क्यों दिया है, उसको फर्स्ट क्यों नहीं दिया या नाइन्थ क्यों नहीं दिया, आपके पास कोई कारण ही नहीं है, तो इस बात का क्या जवाब है। ये इस बात से बिल्कुल अलग है कि चंद्रयान मिशन का कोऑर्डिनेटर कौन था, अध्यक्ष कौन था इसरो में, या ये कितने बजे कितने बज के कितने मिनट पे उड़ा, ये सवाल आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर सॉरी आई डोंट रिमेम्बर बट आई विल ट्राई टू गेन दैट नॉलेज बट एट दिस मोमेंट सर इस वक्त मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इसके जवाब के बारे में, मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर जो DAF जो एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपने खुद भरा है, वो आपने क्यों भरा है, क्या उसमें आपने लिखा है और क्यों लिखा है, यदि आप वो नहीं बता पा रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं ये चीज तो नहीं हो रही है, बहुत इंटरेस्ट तो नहीं है बंदे को इसमें, शायद फिसल पड़े तो हर हर गंगे की कैटेगरी में है ये बंदा। और यदि आपको अपने बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस से तैयार है और आप एग्जामिनर को उस दिशा में ले जाने के लिए सक्षम है जहां आप चाहते हैं कि एग्जामिनर इधर जाए ये पूछे हमसे और मैं इस प्रश्न का यू जवाब को तैयार करके आया हूं अच्छे से और ऐसे बताऊंगा और वैसे बताऊंगा और एग्जाम जो इंटरव्यू है ये बिल्कुल फन होगा और हम साथ में खेलेंगे बढ़िया और लगेगा क्या इंटरव्यू दिया बंदे ने यार, क्या चीज आई थी, क्या क्रीम मेरे सामने आई थी, ये फीलिंग हमें एज अ कैंडिडेट देनी है। तो अपने सेशंस में ये सब चाहेंगे आपसे कि कैसे बिल्कुल बारीक तरीके से आपने एक एक पॉइंट को एक एक कंसेप्ट को तैयार किया है इस नजरिए से कि वो हर चीज आपको एक डिप्टी कलेक्टर
एसडीएम या जो भी पोस्ट आप चाह रहे हो, डिप्टी एसपी, उस पोस्ट के काबिल बिल्कुल कूट कूट कर गुण भरे हुए आप में दिखा पा रही है या नहीं, सारे के सारे मुद्दे की बात ये है। और जब मैं बोलता हूँ कंसेप्ट, देखिए मैंने ऑलरेडी कहा नॉलेज बहुत नहीं लेना है आपको, पर जैसे एक कंसेप्ट है जो हम आपको बाद में चर्चा करेंगे, सॉट, SWOT, क्या खूबियां हैं आप में, क्या कमजोरियां हैं, एक्चुअल में क्या है, क्या बताना है आपको, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने, क्या थ्रेट्स हैं, अब तक आपने कैसे सामना कर किया इनका, ये सारे कंसेप्ट जब आपको क्लियर होंगे, जब आपको मालूम होगा कि यस दिस इज माय ट्रू पर्सनालिटी एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट इट टू द इंटरव्यूअर बोर्ड। यहाँ हमारे साथ बहुत सीनियर सीनियर मेंबर्स बैठे हैं, हम साथ में बैठकर आपको बहुत चीजों में अलग गाइड करेंगे, जैसे साइकोलॉजी के मामले में आप बुद्धू नहीं बना सकते सामने वाले को, बहुत सीनियर बड़े गाग लोग बैठे होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं, पर बुद्धू नहीं बनाना है, पर अपने आप को उस रूप से प्रेजेंट करना है जो सच भी है और प्रिय भी है, सत्यम वदामि प्रियम वदामि, है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से कूट कूट के ठोक पीट के अपने इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, तो ऐसा तैयार करिए कि इतनी एस दे दे आपको इंटरव्यू के मार्क्स कि भले रिटर्न में थोड़ा बहुत कम भी आप रह गए हैं, पर यहाँ आपको अच्छी एस से बिल्कुल टॉपर बनाने में और आपको वो पोस्ट दिलाने में मदद करे जो आप डिजर्व करते हैं। एंड आई एम श्योर विद आई एस्पायर यू आर इन सेफ हैंड्स, हम मिलकर काम करेंगे, बहुत मेहनत से बहुत जज्बे से काम करेंगे और आपको वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचना आप डिजर्व करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स थैंक्स एवरीवन। तो दुर्गेश सर, अब मेरे ख्याल में हम लोग बच्चों के पूछते हैं कि किसी ने कोई भी सवाल मन में है तो सवाल तो होने ही चाहिए, क्योंकि आपसे भी सवाल पूछे जाने समय हुआ। तो एनी एनी थिंग विच इज कमिंग टू योर माइंड, यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन, नाउ यू आर फ्री टू आस्क एनी, किसी से भी पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल चीजें आप बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी जनरल जो क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे हैं अपने इंडिविजुअल के बारे में नहीं, जनरल क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, जो सबके काम आएगी, जो जनरल इंटरेस्ट की चीजें हैं वो आप पूछिए, जिससे हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स इस तरीके से दे सके कि हम सबको हेल्प करें। प्लीज कम फॉरवर्ड। सर, क्या अभी ही जिले से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं? आप किस जिले पे हैं उससे? ये किस डिस्ट्रिक्ट से, किस जिले से आप, क्या इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? सी, बायोडाटा के क्वेश्चंस जो हैं, बायोडाटा से रिलेटेड हैं, वो क्वेश्चंस हमेशा ही होते हैं, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट इससे बात ये, पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, आपको तैयारी पूरी रखनी, यू कैन नॉट मिस दैट पार्ट, समझ रहे हैं? बायोडाटा में कोई रियायत नहीं है, इसलिए हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट आप तैयार करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आप छोड़ सकते हैं? आपके पास ये विकल्प नहीं है, अगर आपको पास होना है ये इसमें कोई अरे जी, मुझे एक्सपोज लगता है कि ये कुछ कुछ वैसा ही है कि क्या ये कुत्ता काटता है? नहीं 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 काटता, कुत्ते को मालूम है या नहीं? तो जो वहां लोग बैठे होंगे उन्हें क्या मालूम कि पूछे जाते हैं कि नहीं, उसका मन करेगा तो पूछ लेगा बंदा। तो इतने इस मुकाम पे पहुंचने के बाद बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए इन चीजों पे कि ये पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट शुड बी टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर ईच एंड एवरी probable question that can be asked you, okay? क्या समीर सर कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं? समीर सक्सेना जी प्लीज। इनफैक्ट इनफैक्ट साथ में ये भी है कि हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब बायोडेटा होता है, कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, इनफैक्ट है ना, वो भी बायोडेटा में खोद खोद के निकालने होते हैं कि क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है तो चलेगा, नहीं, दे हैव टू बी स्पेसिफिक, बहुत बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इनफैक्ट उसकी तैयारी करना जरूरी है। सुनील राज, क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिला? जी सर, बिल्कुल सर। यस, वेरी गुड। क्या समीर से कुछ बोल रहे हैं? रेज हैंड क्या है? हाँ, पर्सनैलिटी का पार्ट है कि जहां से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के बारे में आपको नॉलेज क्या है, बट इंटरव्यू में सिर्फ नॉलेज के अलावा, जैसे दुर्गेश सर ने कहा,
आपका एप्टीट्यूड भी देखना है मुझे, आपकी सोच क्या है वो भी देखना है, आप कितने अपडेटेड है ये भी तो देखना है मुझे। तो बहुत सारी चीजें और पता लगती है जब मैं बायोडेटा से रिलेटेड पूछता हूँ। ऑलराइट, यस समीर कई यू। बार मैं ये बताना मैं ऐड करना चाह रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि आप कैसे आए हैं, अगर आप ट्रेन से आए हैं तो आपके आपके सामने ये सवाल रखा जाता है कि आप कौन सी ट्रेन से आए हैं। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपका सब्जेक्ट कुछ और है तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया, मे बी कि वो उसका रेसिपी ही पूछ लें। तो उनके पूछने का, इस इंटरव्यू का मकसद पर्पस ये है कि आप अपने आसपास के माहौल से, आसपास की चीजों से कितना अवेयर हैं, तभी तो आप इतने बड़े, आपको पोस्ट दी जाएगी कि तभी तो आप लोगों की सेवा कर पाएंगे ना। तो मकसद और पर्पस समझिए, आप इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उस पे फोकस ना करके अगर आप ये सोचिए कि पर्पस क्या है उनके सवालों का। वो परफेक्शन देखना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर कल को आपके सामने कोई सिचुएशन आया तो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो सवाल यहाँ ये है। तो आपको इसीलिए, आप जो सुबह जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपने कौन सी ड्रेस पहनी है, उसका फैब्रिक क्या है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस का ये मतलब है कि आप उस चीज के बारे में क्या जानते हैं, आपने उस चीज को यूज किया है तो आपका क्या है उसमें नॉलेज। तो इसीलिए आप जो ड्रेस पहनेंगे उसके फैब्रिक के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जिस व्हीकल से गए हैं, अगर ट्रेन से गए हैं, बस से गए हैं, उस रूट के बारे में पूछ सकते हैं वो। तो इंटरव्यू का पर्पस यही है कि आप अवेयर कितना है। तो इसको बांधने की कोशिश मत करिए, फोकस करिए कि आप कितनी चीजें आप अंदर ले सकते हैं, कितनी बातें आप सीख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यस थैंक यू सो मच। समीर आपने हैंडल्स किया था क्या? अभी नहीं है। जी सर, एक मैसेज कन्वे करना था सभी को कि आप लोगों को ग्रुप में एक गूगल फॉर्म डाला गया है, ये सभी हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने पूरा अपना चेक करके ऑप्शंस को फ्री आपके लिए डिजाइन किया है। ये इसका जो मेन पर्पज है वो ये कि जो भी बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगा तो आपसे संबंधित जानकारी को पहले देखेंगे और उसके रिगार्डिंग हम लोग आपको प्रिपेयर करेंगे। तो आप सभी से सीरियसली फिलअप कर लीजिएगा। अनुराग सर ने काफी टाइम पहले से दिया था लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं भरा इसे और कुछ एस्पिरेंट्स नहीं भरा है, तो प्लीज इसे आप सीरियसली और सही सही जानकारी के साथ भरिए, तो ये आपके लिए ही अच्छा है। अदरवाइज फिर उस समय पर हमारे पास जानकारियां नहीं होंगी तो इंटरव्यू आपका उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। अभी मैं चैट बॉक्स के माध्यम से भी आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ और आप ग्रुप में भी आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप में से कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? यस उस सर, सवाल है। यस ये सर, सर हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या अंतर है सर? मतलब पहले तो ये बताओ कि आपकी कोई हॉबी है क्या? सर हॉबी तो वैसे है, क्रिकेट खेलना है सर मुझे। ओह अच्छा, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन है ना। यस करेक्ट। तो बट आप आपसे आप आपको किसी ने बताया ये सवाल पूछा गया कभी किसी से, ये आपका डाउट है? नहीं सर, अभी जो फॉर्म डाला गया है ग्रुप में उसमें दोनों का ऑप्शन अलग लगता है, एक हॉबी का और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का। अच्छा, ये आपको ये समझना है। वेरी यस गुड वेरी गुड। तो इसी से ये तो पता लग गया कि दोनों चीजें अलग हैं, यस सर दे आर डिफरेंट, राइट? गुड। तो आप आपको ये इन्हीं चीजों मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, है ना? तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कभी पार्टिसिपेट किया आपने? स्कूल में कुछ होती थी आपके एक, यहाँ? तो वैसे सर एक बार डांस में किए थे पार्टिसिपेट 6th क्लास में। नहीं तो वो क्या आपकी हॉबी थी? करना सर पड़ा हॉबी था, नहीं। यस करना पड़ा था ना, सर समथिंग बियॉन्ड एकेडमिक्स आपको करना पड़ता है। लेकिन यस पैशन सर वो होता है जहाँ पे चुपचाप गुपचुप भी आप कर लोगे उसको, वो मेरा मन करता यस सर है ना, यही डिफरेंस। तो आपको एकेडमिक्स के बियॉन्ड अगर किसी चीज में और इंटरेस्ट है या आपने कुछ एक्सपीरियंस है इसका, वो भी होगा। एंड हॉबीज इज वेरी पर्सनल, जहाँ पे आपका पैशन जो आप सच दिल से करना चाहते हो उसके लिए किसी को कहने की जरूरत है। दैट वे वंडरफुल। ओके नेक्स्ट, और सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी पूछिए। अखिलेश कुमार मौर्य, यस क्वेश्चन। जी सर। सर
अभी मेरी थोड़ी समस्या ये है सर, मेरे पास यूपी पीसीएस मेंस लगा हुआ है और बीपीएससी का पीटी है जस्ट अगले दिन, और इंटरव्यू मेरा है 20 अक्टूबर को। सर ये टाइम मैनेज थोड़ा सा कैसे करें, इसके बारे में गाइड कीजिए। प्रायोरिटाइज कीजिए, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसको नंबर वन दीजिए। और कई सारे फैक्टर्स होंगे इसमें, आपको किसी के साथ एक काउंसलिंग सेशन भी कर सकते हो, और हम लोग जब आपका जब पर्सनल सेशन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उस समय इस चीज जी डिस्कस करेंगे कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर एक ये हो सकता है कि आप ऐसे किसको सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी भी चीज है, कहाँ पे आपको लगता है कि ये इस बार हो जाएगा लेकिन ये अच्छा है नहीं होगा, उसके हिसाब से हो सकता है। और तीसरी बात ये हो सकती है कि तीनों ही मैं करना चाहता हूँ तो टाइम की कमी नहीं है, टाइम मैनेज कैसे करना है, और उसके लिए टाइम ब्लॉकिंग का कंसेप्ट कर सकते हैं हम लोग कि एक टाइम में एक ही काम करो लेकिन ब्लॉक करो, है ना। कैसे कैसे पोमोडोरो की टेक्निक आप अपना सकते हैं कि एकदम फोकस्ड होके एक चीज को करो, तो वो काम जो अभी आप कर रहे हो परेशान हो रहे हैं, एक्चुअली अगर वो तीन काम जो है 1/3 टाइम में होने लग जाए हर एक काम, तो आप तीनों बखूबी भी कर सकते हैं। बट दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन जब हम लोग आपके साथ एक इंडिविजुअल सेशन करेंगे। पर सबसे पहले हम लोग एक राउंड लेना चाहते हैं, दुकेश सर ने कहा वो है कि एक बार हम लोग मॉक इंटरव्यू करके देखेंगे, और उसके बाद हम लोग भी ज्यादा अच्छे तरह से आपको गाइड कर पाएंगे बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस विद यू। फिर हम आपके बारे में एक एक करके जब बात करेंगे, तब आपका जो स्वॉट एनालिसिस है, क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेसेस है, क्या पोटेंशियल है, क्या चीज आपको होल्ड करिए, किस चीज को कैसे आप अपने फेवर में करेंगे, वो बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। That will be very useful to you. And perhaps उसी समय इस question को भी discuss कर लेंगे अखिलेश की आपको कैसे plan करना चाहिए, तो जल्दी से हम लोग वो session करेंगे। All right. सर सर एक question और था सर, अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए कुछ सामान्य क्वेश्चन जिसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, वो क्वेश्चन अगर बता दिया जाए, और एक जनरल जो जैसे हम लोग को क्या पहन के जाना है, और जब हम इंटरव्यू बोर्ड रूम में घुसते हैं सर, एंट्री करते हैं, तो उस वहाँ पे हमको कैसे, वहाँ पे जो भी बोर्ड मेंबर होंगे उनसे अभिवादन करना है, फिर कैसे उसको एक सामान्य जानकारी दे दी जाए। जी जी ओके ऑलराइट, दुर्गेश सर आप देना चाहेंगे इस ये जानकारी को? मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा सर कि देखिए ये तब शायद हम ज्यादा न्याय कर पाए इस क्वेश्चन से जब हम एक राउंड आप सबसे पर्सनली इंडिविजुअली कर लें, फिर हम आपको ये टिप्स देंगे जो आपने कहा कि कैसे नॉक करना है, नॉक कैसे करना नहीं पड़ता। तो बेसिक चीज बता, आपकी क्यूरियोसिटी दूर हो जाएगी, मैं बेसिक चीज बता देता हूँ जो यूपीएससी और पीएससी में होती है, पर जनरल चीजों के अलावा डिटेल्स के हम आपके जो दोबारा सेशन लेंगे जब पूरे आप सभी का एक राउंड हो जाएगा, उसके बाद दोबारा बैठ के हम ये चीजें आपको डिटेल्स में शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है कि जहां तक ड्रेस की पार्ट है, जिस ड्रेस में आप बहुत कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट, बिल्कुल जरूरी नहीं है बल्कि एडवाइजेबल भी नहीं है कि बिल्कुल नए कपड़े पहने आप, मे बी सिर्फ उसकी आप फिटिंग अच्छी ना आती हो, मे बी आप अनकंफर्टेबल हो। तो जो कपड़े आप जैसे जब भी पार्टी वार्टी में जाते हैं, किसी इंटरव्यू फॉर्मल में जाते हैं, जो कपड़े पहन के ना बड़ा अच्छा लगता होगा आपको, बड़ा अच्छा लग रहा हूँ मैं यहाँ, जिसमें आपके पेरेंट्स आपके दोस्तों बोलते होंगे ना, तो जस्ते हो इसमें, तो फॉर्मल रहे, कंफर्टेबल रहे। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे लोग नॉर्मली टाई वाई बोलते हैं, टाई लगा के ही जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप टाई में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, गर्मी का मौसम है, पता लगा आप उसी में परेशान होंगे कि अपना बेस्ट नहीं दे पाए, तो बिल्कुल चिंता ना करें, बेस्ट कंफर्ट जोन में जो थोड़ा फॉर्मल लुक दे आपको और एक ग्रेसफुल अपीयरेंस दे, वो आप यूज करें। इवन गर्ल्स के लिए भी नॉर्मली कहा जाता है कि कॉस्मेटिक्स वगैरह कम पहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह कम रहे, कि ध्यान वहां बार बार खींच रहा है बजाय आपकी पर्सनैलिटी की तरफ, तो वो चीज अच्छी नहीं है। पर डिटेल्स विल शेयर लेटर, एक पार्ट तो अपीयरेंस का हो गया। सेकेंड, जब आप अंदर जा रहे हैं तो नॉर्मली जो वहां पे प्यून होगा वो दरवाजा खोल के रखा होगा आपके लिए, तो आपको नॉक वॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, जब आप वहां पर यदि बंद है पाए तो नॉक कर दिए, दो बार नॉक करते हैं नॉर्मली ग्रेसफुल तरीके से, और फिर धीरे से खोलते हैं दरवाजा, और फिर बोलते हैं मे आई कम इन सर,
इस ये कोई आर्टिफ मतलब बिल्कुल परफेक्ट यही फ्रेज यूज करना ऐसा कुछ नहीं है, पर जो आपको धीरे धीरे क्या श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जिसमें भी आप कंफर्ट जोन में है प्रैक्टिस बहुत करिएगा, क्योंकि उस वक्त आपको वो चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है या लाइक आप बहुत कंफर्टेबल हो, तब भी वहां पे जाके आप कई बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो बड़ा नेचुरल है, आपकी जिंदगी भर का फैसला हो रहा है, एक तरह से आप पे प्रेशर होता है कि एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यदि आपकी कोई भी चीज बहुत वेल रिहर्स नहीं होगी ना, तो हो सकता है वहां थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए कई कई बार प्रैक्टिस जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि आपसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपके अच्छे से, तो ये सब चीजें होनी चाहिए, फिर वहां जाकर नेचुरली बहुत ज्यादा गैप समानता नहीं होता, बहुत लंबा गैप समानता नहीं होता, इंटरव्यू बोर्ड बैठा है और आपकी चेयर रखी है, तो चलिए ये सब चीज अभी हम लाइक इसको हम चर्चा करेंगे बाद में अच्छे से, एक एक पॉइंट करेंगे, चिंता ना करें बिल्कुल भी, अभी आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए कि आपको अपने एक एक पॉइंट पर जो डीएफ में है जो आपसे रिलेट होता है, जैसे मैडम ने बताया कि भाई ट्रेन से आप आए थे, अच्छा रास्ते में क्या क्या पढ़ा था भाई, अब एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, हालांकि आप इसके जवाब सॉरी सर मैं तो सो गया था या मैं नहीं ध्यान दे पाया, बहुत टेंशन में था प्रेशर में था सर इंटरव्यू के, तो मैं तो तैयारी कर रहा था उस समय, अपना बुक्स पढ़ रहा था तो इसलिए मैं देख नहीं पाया, बोल सकते हैं आप नथिंग रॉन्ग विथ इट, इससे कोई नेगेटिव मिशन बहुत नहीं पड़ने वाला है, पर यदि आप जवाब दे पाए अच्छे से कि सर पहले ये हुआ फिर ये पड़ा फिर हमने सतपुड़ा की वादियों से हमारी ट्रेन गुजरी और फिर यहाँ पे हल्की हल्की फुहारे पड़ी वेस्टइंडीज की वो मानसून थे, तो जो भी मतलब आपको बड़े अच्छे से आप तैयार करके गए हैं, नथिंग लाइक इट, अदरवाइज आप ईमानदारी से जो भी आप बताना चाहें आप बता सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि अवंतिका भी इसको रिस्पोंड करना चाहे तो अगर कुछ चैट करना चाहे, बिकॉज शी हैज रिसेंटली क्वालिफाई किया है उसने, तो अवंतिका इफ यू आर इन द पोजीशन टू शेयर अबाउट सम बेसिक्स जो अखिलेश पूछ रहे हैं अपीयरिंग बिफोर इंटरव्यू इंटरव्यू बोर्ड, तो कुछ कॉमन चीजें क्या है। सर जैसे उनका क्वेश्चन था कि अभिवादन कैसे करना चाहिए, तो जैसे कि सर ने बताया कि वहाँ पे आपके दरवाजे पे वो खड़े रहते जो खोल के आपको सीधे अंदर जाने के लिए बोलते हैं, बेल बजता है और वो दरवाजा खोल देता है, तो जब आप दरवाजे के पास जाएंगे तो आपको बोलना है कि मैं आई कम इन सर, बोर्ड मेंबर की तरफ देख के तो वो खुद ही बोलेंगे कम इन, और उसके बाद अगर आफ्टरनून में आपका है तो आप गुड आफ्टरनून सर बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, या शाम का है तो गुड गुड इवनिंग बोलिए, इस तरह से इस अभिवादन करना है। हाँ सर, उसमें एक ये है कि अगर मैडम है कोई तो पहले मैडम को अभिवादन किया जाता है ऐसा है, और फिर सर को कर सकते हैं अभिवादन में, सर ऐसा ही है, फिर वो सिट डाउन बोल देते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच अवंतिका, और मेरे को लगता है आपको याद आ रहा होगा कि अभी रिसेंटली आपने इंटरव्यू किया और क्वालिफाई हुए, एंड सर मैं तो हमेशा आपको ब्लेसिंग देता हूँ। तो अखिलेश, कुल मिला के मैं भी यही कहना चाहूंगा, आप जैसे हो ना वैसे ही अच्छा अपना बेस्ट वर्जन बन के जाना चाहिए, नॉट समथिंग डिफरेंट, नॉट समथिंग कि आपको ही स्ट्रेस दे दे, टेंशन दे दे, अनईज कर दे, बस उतना ही, लेकिन छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, जैसे बड़ी अच्छी बात है तो सर ने कही कि जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड, बट फिर भी ऐसा ना हो कि अटपटा लगे, एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही, जरूरी नहीं है कि नया ही पहनना हो, लेकिन अगर आपको नया पहनना है तो ये भी शायद कॉमन सेंस से आप भी कहोगे कि एक दो बार पहले पहन के मॉक इंटरव्यू में आ जाओ, जैसे हमारे की सर मैं ये पहनना चाहता हूँ, वो ड्रेस पहन के मॉक इंटरव्यू आ जाओ, शायद हम कहें कि हाँ ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, समटाइम्स वो हो सकता है कि हम लोग आपको हेल्प कर सकें उसमें भी, और जब आप सामने आएंगे और वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो जाता है कि हम लोग जब मॉक इंटरव्यू करते हैं तो अभी तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन आप आएंगे ऐसे ही कि एक कमरे में से आएंगे ऐसे कैमरा रख के जब बोलते हैं, तो उस वक्त चलते कैसे, बैठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या है, शायद हम लोग उस समय बताएंगे कहीं ज्यादा कि आप किन किन चीजों को और इम्प्रूव कर सकते हैं, आए पर बेस्ट थिंग मैं जो हूँ वो ही बनूँ, कुछ और बन के ना जाऊँ वहां पे, वो गड़बड़ हो जाता है, आप जो हैं सो हैं, दैट इज वेरी गुड। ओके ऑल राइट, अखिलेश क्या आपको इस जवाब से कुछ हेल्प हुई। वेलकम। थैंक यू सर। जी सर अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो रहा यस वेरी नाइस, जी थैंक मैंने यू सर। एक बार एक बच्ची को ये बताया था, वो लॉन्ग बैक है ना, वो टॉप किए थी यूपीएससी में इन इन गर्ल्स, ऐसे ही कुछ बताया था जिससे, क्योंकि उसके पास नॉलेज थी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं, और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था कि यूपीएससी बीपीएससी इतना बड़ा लगता है कि
दिमाग पे हवा भरा रहता है, पता नहीं वो बोर्ड मेंबर होंगे उनके सींग लगे होंगे, पता नहीं क्या पूछ ले, हे राम, तो दिल की धड़कनें बड़ी होती है, उससे ज्यादा परेशान होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी तैयारी करनी है। ओके, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? मोस्ट वेलकम। जी, सो विद दिस मेरे ख्याल में अनुराग को मैं कहूंगा कि अनुराग जी आप जो जल्दी से प्लान कीजिए कि कैसे कैसे इनका फर्स्ट राउंड ऑफ मॉक इंटरव्यू, जो भी बच्चे हैं फर्स्ट राउंड जल्दी से जल्दी प्लान करें। जी सर, है ना, वो हम लोग क्योंकि बच्चों का समय कम है और हम लोग चाहेंगे मोर देन वन, 2-3 राउंड कम से कम हम लोगों के साथ हो जाए, सो दैट उनको सही में कुछ कुछ चीजें 2-3 बार करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक बार में नहीं आएंगे। फर्स्ट टाइम वो आएंगे, वो भी हमारे सामने आएंगे तो थोड़े से एकदम फर्स्ट टाइम आएंगे डिफरेंट वर्जन होगा, लेकिन 1-2 बार हम लोगों को देख लेंगे तो अलग वर्जन होता है, वो चेंज भी बहुत मैटर करता है, टू मेक देम रिलैक्स। ऑलराइट सर, ऐसा ऐसा अगर कर दे कि अभी जैसे मॉक इंटरव्यू, क्योंकि 30 तारीख को एग्जाम भी है, तो हम सेशन इनका लगा दें पहले, जो क्लासेस नहीं होती है, स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो 30 तारीख तक हम इन सब का 1-1 घंटे का क्लास व्लास देते हैं, तब तक वो बात कर लेंगे, वो मतलब जी, हाँ उसके बाद ही रखते हैं मॉक इंटरव्यू, एक बार बात कर लेंगे, ठीक है, डन, उसी हिसाब से। सो अगर आप लोगों को कुछ नहीं तो तैयारी कीजिए, करंट अफेयर्स को अपडेट कीजिए, सबसे पहले बायोडाटा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, समीर ने बताया है कि आपको एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को अच्छी तरह से भर दीजिए और उसी के बेसिस पे हम लोग भी आपसे सवाल पूछेंगे और आपकी तैयारी कराएंगे। ऐसी उम्मीद रखिए कि अगर आपने 2-3 बार हम लोगों के साथ इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू आपका बेस्ट बेस्ट होने वाला है। ओके, सो विद दिस दुर्गेश सर, जस्ट मैं एक चीज याद दिलाना चाह रहा था कि क्या आप लोगों ने DAF फॉर्म सबमिट कर दिया है भर के या अभी करेंगे? आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, मेंस का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है? नो सर, करना है सर, अभी करना है। यस सर। ओके, तो कोई ब्लंडर्स और पिटफॉल्स ना हो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने फॉर्म का एक बार फोटोकॉपी या रफ करके, रफ ड्राफ्ट भर के, एक बार जो आपका फर्स्ट और लास्ट डेट निकलना रही हो तो अनुराग जी से टाई अप करके आप उसको कंफर्म कर लें कि मैं इसमें ये डालना चाह रहा हूँ, जहां भी चॉइसेस हैं। मैं इसके साथ फॉर्म में हॉबीज का कोई कॉलम है क्या DAF में आपके? सर मेंस का, मेंस मेंस का फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है, उसी उसी से फॉर्म, अभी कोई ऐसा दूसरा फॉर्म तो नहीं है अभी DAF का अलग से नहीं बन रहा है इंटरव्यू के लिए? मेंस से पहले, हाँ मेंस से पहले पूरा डिटेल में भरवा लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम होता है ना, काफी कुछ करवाते नहीं है। अच्छा, ओके, तो फिर वो तो अभी कोई इशू नहीं है, बस उसका सेट रखें, उसका पहले से भरा जा चुका है उसी फॉर्म को। तैयारी करते रहे और जल्दी से जल्दी हम लोग भी आपसे रूबरू होते हैं। थैंक यू सो मच होस्ट अनुराग जी, आप होस्ट हैं, आप मीटिंग एंड। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू।